बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले के त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर दावेदारी करते हुए रुचाप पंचायत की हेमलता मान की रुचाप शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हेमलता ने सैकड़ों कार्यकर्ता द्वारा बाइक रैली करते हुए भालुक कोचा गागोडी पुनर्वास कॉलोनी चांडिल बाजार होते हुए बाइक रैली चांडिल प्रखंड कार्यालय पहुंचे और रुचाप पंचायत से मुखिया पद के लिए दावेदारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र भरा। प्रथम बार 2010 में चुनाव में जीत हासिल की थी। सुबह से चांडिल अनुमंडल सा चारों प्रखंड में उम्मीदवार जिला परिषद मुखिया पंचायत समिति वार्ड मेंबर एवं प्रस्तावक के नामांकन पर्चा के लिए बार एसोसिएशन चांडिल में लंबी कतार लगी है। वहीं वकील के टेबल पर भी काफी भीड़ देखी जा रही है। चांडिल अनुमंडल स्थित रुचाप ग्राम पंचायत के 2010 में प्रथम बार हेमलता मानकी द्वारा 960 मतदान से जीत हासिल की थी। अब 2022 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हेमलता ने जताया कि जनता के प्रति अत्यंत प्रेम और विश्वास है कि रुचाप पंचायत के नागरिक विजयी करेंगे। हेमलता मानकी अपने एजेंडा के तहत शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल बिजली सड़क आदि समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ने मैदान में उतरी है। नामांकन के दौरान निर्मल गांगुली पूर्व मुखिया घासी राम मानकी संजय प्रामाणिक सा सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। अरे आज भी मुखिया रह चुके हैं तो उनको जनता से पूरा साथ मिलने का आशा है और अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। आज नामांकन करने आए हैं और जनता का पूरा सहयोग मिला है और सहयोग मिलने का आशा है उनको जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।